विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह दे रहे हैं। वीडियो में वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि गफलत में नहीं रहना है, सभी को तन मन से जुटे रहने की जरूरत है। मन में ये बात आने भी नहीं देना है कि चुनाव एक तरफा है, क्योंकि कांग्रेस के पास उसका वोट बैंक है। सुस्त होकर बैठने से काम चलेगा नहीं, मैदान में बराबर काम करने की जरूरत है। अति आत्मविश्वास का परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है। आज भी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कायम है, उसका एक वोट बैंक है, उनके वोट है तो कहीं नहीं जा रहे। और दूसरा, अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों। अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से राज्यों की बात कर लें तो वहां पर तो और कम वोटिंग हुई। जब आदरणीय स्वर्गीय सुषमा बुआ जी चुनाव लड़ी थी तब ऐसा ही माहौल था, अति आत्मविश्वास था, क्योंकि सामने वाले कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म विजय हो गया था और तब वोटिंग इतनी हुई थी केवल 45%। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन सब इसी चक्करों में पड़े रहे कि भैया साहब तो जीत ही रहे हैं, अपन को क्या करना, अपन अगर घर बैठ भी जाए तब भी साहब लाखों से जीतेंगे और पता चला अपने आप में भी 60% की वोटिंग। निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सबसे कीमती कोई चीज दे सकता है तो वो कोई धन दौलत संपत्ति जमीन जायदाद पैसा नहीं हो सकती। सबसे कीमती चीज अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है तो वो उसका समय होता है। और वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द।